प्लांट है। अच्छा, हाँ, हिंदी में क्योकन बोलते हैं। क्योकन जैसे शुगर पेशेंट है, खाली पेट में 15 दिन अगर खा लिए तो शुगर लेवल कम हो जाता है। खा रहे हैं। अच्छा, हमारे लिए वो अच्छा नहीं लगेगा इंडियंस के लिए, क्योंकि मछली को आप पकने के बाद खाते हैं ना। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना अपना काम करेंगे। मेरा नाम है जैत और मैं आज आपको, जैसे कि छोटा मोटा ब्लॉग भी बनाते रहता हूँ, तो स्पेशली आया हूँ देश देखा, और यहाँ पर आज है दूसरा दिन, क्योंकि पहला दिन तो आप लोग देख चुके क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और मैं उस वीडियो को अंत भी नहीं कर पाया। हालाँकि ये वीडियो मेरा कैसा बोलना पड़ेगा लास्ट में। तो फिलहाल आज है दूसरा दिन और सुबह का लगभग लगभग बज गया है 6 और हम लोग उठ गए हैं, और मेरा देखिए आँख को भी बड़ा बड़ा दिख रहा है, ऐसे फुला फुला लग रहा है, और देखते हैं आज क्या करते हैं। जो भी करेंगे सारा जो दिखाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल मेरे वीडियो में आप लोग बन रहे और देखते रहिए। मैं अंदर का सेटअप दिखा देना चाहता हूँ दोस्तों। देखिए अंदर में है दो तकिया, और यहाँ पर दो कंबल है, और यहाँ पर दो है तकिया। ये देखिए ये है, और बैग भी देख रहे हैं, और अपना मेरा सामान है, और ऐसा कुछ सेटअप रहा है। मैं अपना शर्ट को टांगा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा गीला हो गया है। और यहाँ पर देखिए ये है दो लेयर का टेंट, एक लेयर और एक बाहर में है दूसरा लेयर। काफ़ी नींद तो अच्छा लगा था, और मैं बाहर आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ। ये है अपना बाहर का सेटअप, देखिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भाई। रात में जो बन रहा था वो बोले तो पका हुआ नहीं है, और इधर मॉर्निंग के लिए ब्रश जो करंच का दतून है, अभी हम लोग दतून करने वाले हैं। सुबह के 6:10 से 11 मिनट का सीन है दोस्तों। देखिए बहुत ही खूबसूरत सा सीन लग रहा है मुझे, और इधर देखिए टेंट लगा हुआ है इधर, और हम लोग सबके दतून कर रहे हैं, सूरज भी अभी कर रहे हैं, और क्या बोलते हैं सदो भाई कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग भैया, चल आप लोग देखते रहिए। मुझे लगता है अभी गोट टूट भी करना चाहिए, और करूँगा ही, देखते रहिए। हेलो दोस्तों, फाइनली फ्रेश व्रेश होना था हो गए, और अब मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा लगभग सुबह का 6:52 हो गया, मुझे लगता है 7 बजने वाला है। तो अभी फिलहाल मैं देखता हूँ कि ऊपर से दिख रहा है, मेरे वीडियो में बन रहे और देखते रहिए। फाइनल दोस्तों, लोग जा रहे हैं अब बागमारा वाटरफॉल ट्रैकिंग करते हुए। तो अभी फिलहाल रास्ते में देखते हैं, जो भी जैसे ही परेशानी होगा सारा चीज़ को देखते हुए चलेंगे और बताते हुए चलूँगा। तो आप लोग फिलहाल मेरे देखते रहिए। मैं फाइनली दोस्तों सभी लोगों से तो मिला चुका हूँ, इसलिए बार बार नहीं मिला पाऊँगा। स्पेशली इसमें मैं ही डायरेक्शन दूँगा कि कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। तो फिलहाल बने रहिए मेरे वीडियो में और देखते रहिए। सौरभ सर देखिए, स्पेशली तो मैं तितली को बटरफ्लाई को अपने हाथ में नहीं बोलती ना, बहुत खूबसूरत लग रहा है। पसंद कोई कोई नहीं पसंद करता मेरे को, मैं इसीलिए मैं बॉडी स्मेल पसंद करता हूँ। देखिए दोस्तों, अभी इतना भीड़ भड़ाका है हम लोग का ट्रैकिंग, ट्रैफिक जाम हो गया है। अभी मेरे को लगता है आगे एक ठीक गाड़ी फंस गया लग रहा है। तो अभी फिलहाल देखते हैं आगे टिकट सब कटेगा और सब में बटेगा, सबको अपना अपना वीडियो बना रहा है दोस्तों। और मज़ा भी आ रहा है कि ऐसे सिचुएशन में मैं आज वीडियो बना रहा हूँ,
और मैं हूँ बीच में, और अपना इंजॉयमेंट तो खुद ही अकेले से ही करना पड़ता है। लेकिन आज स्पेशली ग्रुप वाले लोग हैं, जितने भी यूट्यूबर्स और फोटोग्राफर्स, ये सारे लोग से मिलना हुआ स्पेशली कैंपिंग के थ्रू, और बहुत ही अच्छा लगा इस कैंपिंग में आके। और आप लोग भी प्लीज़ जैसे देखा एक बार जरूर आइए, और यहाँ के जो जैसे देखा पर्यटन समूह है उनको सेवा का मौका दीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे से आप लोग का केयर करते हैं और आप लोग का ख्याल रखते हैं, खाने से खाने पीने से लेके सारा चीज़ देखते हुए। यहाँ पे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा यूट्यूबर आए हुए हैं, और कोई बोलते हैं गाइस, कोई बोलते हैं फ्रेंड्स, कोई बोलते हैं दोस्तों, और कोई बोलते हैं और कुछ भी। ये सारा चीज़ को देखते हुए और सुनते हुए चल रहा हूँ, और मुझे मज़ा भी आ रहा है कि ऐसे लोगों से काम कर रहा है, मिल रहा है। और मेरे साथ में सरोज भैया जी, दशरथ डेस्क के साथ मिल के काफ़ी मज़ा आ रहा है। थैंक यू भैया। इधर है उमेश भाई, ट्रैकिंग में जंगली भ्रमण करते हुए हम लोग, जंगल भ्रमण लोग को भ्रमण करने में क्या बोलते हैं, डिस्कवरी चैनल में देखने को मिलता होगा आपको इस टाइप से ट्रैकिंग, ट्रैकिंग वाला वीडियो। हाँ, ट्रैकिंग वीडियो आपको डिस्कवरी चैनल में देखने को मिल जाएगा, वैसे सेम टू सेम यहाँ पे हम लोग सब मिल के ट्रैकिंग करते हुए। थोड़ा कूलिंग प्लांट है, अच्छा, हिंदी में केयोकन बोलते हैं। केयोकन बोलते हैं, शुगर पेशेंट है, खाली पेट में 15 दिन अगर खा लिए तो शुगर लेवल कम हो जाता है। इंसुलिन प्लांट को क्या बोलते हैं, मराकन, मराकन लोकल लैंग्वेज में गाँव वाले लोग मराकन बोलते हैं, और हिंदी में केयोकन। क्या यूज करते हो? उसका लीफ, उसका फ्लावर भी यूज होता है, जैसे स्टोमक प्रॉब्लम है, जैसे गर्ल्स का कुछ प्रॉब्लम है या कुछ, तो उसका जो कांदा है वो यूज होता है। शुगर वाला क्या बता रहे हैं? शुगर वाला वही खाना क्या उसका पत्ता, उसका लीफ। इंसुलिन प्लांट, जैसे हम लोग शुगर पेशेंट को इंसुलिन लगाते हैं ना इंजेक्शन, तो उसके जगह हम लोग ये खा सकते हैं, खाली इंसुलिन की जगह। सीरियसली ये उतना, तो गाइस ये बहुत ही बड़ी इंफॉर्मेशनल बात इन्होंने कही है। जो लोग इंसुलिन, मतलब आप समझ रहे, कुछ शुगर पेशेंट ऐसे होते हैं जो इंसुलिन लेते हैं पर डे अपने पेट में, एक सुई टाइप से होता है ना वो, तो आप ये देख लीजिए, उस प्लांट को दिखाइए थोड़ा ज़ूम करके, पकड़ो इसको, पकड़ो, ये बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशनल है। तो इस प्लांट से आप क्या कर सकते हैं, शुगर लेवल शुगर लेवल कम हो सकता है, तो जो आप इंसुलिन ले रहे हैं उसका उतना रिक्वायरमेंट नहीं होगा इस प्लांट की, इसको अगर आप रेगुलर यूज करते हैं तो सुबह खाली पेट होते हैं, तब आपका शुगर लेवल सही रहेगा। रास्ता देखिए कैसे है, और हम लोग इसी रास्ते में ट्रैकिंग कर रहे हैं, और ये देखिए यहाँ पर कितना धूप लगा है, बने तो सारे यूट्यूबर्स लोग हैं ये लोग, और सारे लोग अपना अपना वीडियो बना रहे हैं, और मैं भी थोड़ी बहुत वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मेरा स्पेशल शूट आप लोग को देखने को मिलेगा, वो ड्रोन का होगा, फिलहाल मेरे वीडियो में आप लोग बन रहे और देखते रहिए। सर इसको आपने एक बार ऐसे ऐसे उसको छू लेते हैं, ट्रैकिंग करके रिलैक्स करते हैं तो कैसे? अच्छा हाँ, अब मीनाक्षी पास जाओ। अच्छा ये बताइए, ये एक टाइप का फर्न है, फर्न जो जिसमें छाप लगाते हैं उसी की एक वैरायटी है, इसको कुकड़ली बोलते हैं, इसका भाजी सब्जी बनाते हैं, और फर्न को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस माना गया है शुरू से ही, और ये लगभग ऑल ओवर इंडिया आपको अलग अलग नामों से इसको खाते हैं, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, मणिपुर, झारखंड हो गया, अलग अलग यहाँ पे कुकड़ली नाम है, झारखंड जाएंगे तो मछली साग बोलते हैं। अच्छा, इसको मछली साग बोलते हैं। और ये इसकी आकृति भी देखो ना, काफी यूनिक लग रही है मुझे। तो ये अभी रेयरली मिलता है, बरसात जब शुरू होता है उस टाइम पे ज्यादा मिलता है, तो लगभग ऑल ओवर इंडिया मैं देखा हूँ, मैं पूछा हूँ लोगों से, थोड़ा सा साइज बड़ा रहता है, उत्तराखंड वाले साइज थोड़ा बड़ा बड़ा रहता है, इधर का थोड़ा छोटा भाजी की भाजी भाजी भाजी। इसका टेस्ट किस टाइप का? टेस्ट टेस्ट कैसा रहता है भैया? किस टाइप से इसका टेस्ट? मछली जैसा होता है, मछली नहीं, अरे अच्छा लगता है बोल रहे हैं। मैं मलेशिया नहीं, वियतनाम गया हूं, तो वहां एक लीप्स होता है उसको लोग खाते हैं, पूरा मछली जैसा ही फ्लेवर आता है, मतलब वहां के लोगों को पसंद है फ्लेवर, जैसे यहां के प्याज खाते हैं तो उधर के लोगों को थोड़ा कम पसंद है प्याज सैलेड, तो कुछ कुछ खा रहे हैं तो फिर वो फिश लीप्स खा रहे हैं। हमारे लिए वो अच्छा नहीं लगेगा इंडियंस के लिए, क्योंकि मछली को आप पकने के बाद खाते हैं ना, उसका स्मेल भी अच्छा नहीं, उनको वो पसंद होता है।
उनको वही फ्लेवर जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहन जो लोग को बैम्बो शूट का फ्लेवर बहुत पसंद होता है, चिकन में या फिर किसी भी प्रकार का वेज नॉन वेज सब में डालते हैं, उनको फ्लेवर का लिक्विड बना बना के रखे होते हैं, हर चीज में डालते हैं। यहाँ एक गांव देखने को मिला दोस्तों, जब बघमारा टूर कर रहे हैं लोग बोले तो ट्रैकिंग के थ्रू, तो यहाँ पे एक गांव देखने को मिला और गांव को देखते हुए लोग आगे बढ़ते हैं। बघमारा के लोकल निवासी दोस्तों हल जोतते हुए देखिए, हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं दोस्तों बघमारा बस्ती, और ये है बघमारा बस्ती। फिलहाल लोग आगे बढ़ते हैं बघमारा वाटरफॉल। सौदा भाई खेत का पानी पीते हुए देखिए दोस्तों, यार बहुत जोर से लगा है मेरे को तो मैं गला भिगाने का काम कर रहा हूं। दो तीन लोग ऐसी जो बात देख सकते हैं, ये होला चार का पत्ती है तो मैं इसे छोड़ा ही था, मैं फाइनल दोस्तों पहुंच चुका हूं हमारी टीम के साथ बघमारा वाटरफॉल, और ये मेरा फर्स्ट टाइम है और मैं आप लोग को दिखा रहा हूं। ये देखिए मेरे सामने बघमारा वाटरफॉल है, और आप लोग को इसका ड्रोन शूट भी लेकर दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा ड्रोन वाला शूट आप लोग को बहुत ही प्यारा सा शॉट लगेगा। तो फिलहाल आप लोग मेरे वीडियो बन रहे और देखते रहिए, ये जो वाटरफॉल है इस वाटरफॉल का सीन अगर हम ड्रोन से देखें तो कैसे दिखाई देता है। फिलहाल दोस्तों मैं हूँ बघमारा वाटरफॉल में हूँ, और इस वाटरफॉल के बारे में कुछ बता दीजिए। इस जगह आने के लिए आप जसपुर से किंकेल और किंकेल जैसे ऊपर चढ़ते हैं, किंकेल वाले रास्ते में वहाँ से भी एक रास्ता है, वहाँ से लगभग आपको 17 किलोमीटर लगभग पड़ेगा, और एक गमेरा से, गमेरा जस्ट इंटर करने से पहले ही एक राइट साइड में ऊपर पहाड़ दिख रहा होगा, उस साइड से पार करके वो ज़्यादा ईजी है, लेकिन थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा, और अगर बाइक वगैरह है तो थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन आ सकते हैं, हम लोग उसी में से आते हैं तो वो पास पड़ता है। इधर वाला रास्ता थोड़ा घुमाओ, लेकिन ये जगह आने के बाद भाई कैसा लग रहा है? बहुत मस्त, बहुत जबरदस्त व्यू देखिए उधर का। तो फिलहाल मैं आप लोग को दिखाता हूँ यहाँ पास का दोस्तों ड्रोन शूट से व्यू, तो आप लोग मेरा वीडियो बन रहे और देखते रहिए। मजा आ रहा है। वाटरफॉल के बारे में कुछ बोल दीजिए ना। ये जगह बाघमाड़ा के नाम से प्रसिद्ध है, बाघमाड़ा मतलब बाघ जो टाइगर्स होते थे, माड़ा मतलब उनके रुकने का जगह, ठहरने का जगह, पानी वानी पीने का जगह। तो जब पहले टाइम में यहाँ पे टाइगर्स हुआ करते थे इसी जगह पे आके रुकते थे, इसीलिए इस जगह का नाम बाघमाड़ा पड़ा है। थैंक यू सर। मेरा छतरी लगाएगा, आपको कैसा लग रहा है सर? बहुत कंफर्टेबल है, पकड़ने की जरूरत नहीं है, सर में पकड़ रहे हैं और टेंशन फ्री, सर में पूरा छांव है, देखिए बहुत मज़ा आ रहा है ना? बहुत मज़ा आ रहा है। थैंक यू सर। फिलहाल दोस्तों मैं बघमारा में ड्रोन शूट किया, और हमारे साथ जो टूरिस्ट आए हुए हैं जो देश देखा पर्यटन वाले समूह के हैं, उन लोगों से पूछता हूँ लोग का रिएक्शन कि उन लोगों को ड्रोन शूट कैसा लगा, और पहले ड्रोन वगैरह देखे थे या नहीं देखे थे, वो तो सारा चीज बताएंगे। तो फिलहाल भैया बता दीजिए। यहाँ का बघमारा बोलते हैं, यहाँ पर बाघ सब रहता था, इसी की इसको बघमारा बोलते थे,
देखो फिलहाल ड्रोन का आपको कैसे लगा? अच्छा लगा मेरे को। पहले आप भी देखे थे क्या ड्रोन वगैरह? हाँ देखा था, यहाँ पहले आता था। ड्रोन वगैरह आते थे, मतलब ड्रोन शूट लेने के लिए जैसे देखा आते रहते हैं टूरिस्ट लोग वगैरह। आप लोग ये बता दीजिए नाम परिचय दे दीजिए, थोड़ा सा नाम परिचय दे दीजिए। नाम मेरा मनोज कुमार राम है। मनोज कुमार राम वहाँ से, मतलब ग्राम फिरे बस देखा पर्यटन स्थल में शूट ले रहे हैं। ड्रोन शूट किया, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। थैंक यू भैया, आप अपने नाम परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अनिल कुमार राम है, ललित रेखा समय पर्यटन मंडल से जुड़ा हूँ। अरे ड्रोन उड़ाया कैसे लगा तुमने? क्या ठीक? अरे मैं ड्रोन उड़ाया, इसके ऊपर उड़ाया कैसे लगा? अच्छा लगा, ये बढ़िया लग रहा। थैंक यू, थैंक यू। ये देखिए दोस्तों, बहुत खूबसूरत सा टेलीस्कोप। टेलीस्कोप से बोलते हैं, इसके थ्रू गैलेक्सी को बहुत करीब से देख सकते हैं। और ये पैकेज 99 में मिलता है। मेरा नाम आदर्श शर्मा है, मैं आर्य प्रेरणा समिति करके हमारी एक एनजीओ है, जिसके साथ हमारा जिला प्रशासन के साथ हमारी क्या कहते हैं हमारा ये मिलके हम एक प्रोजेक्ट बनाए थे, जिसमें हम लोग यहाँ पे जो गांव के समिति के लोग, गांव के लोग होते हैं, इनको ट्रेनिंग देते हैं पर्यटन के तरफ। और इसमें क्या करते हैं अपन कि उनको पर्यटन की ट्रेनिंग देते हैं, उनको हॉस्पिटैलिटी सिखाते हैं कि कैसे खाना खिलाना है, क्या करना है, टेंट कैसे सेटअप होता है, गाइडिंग कैसे करते हैं, ट्रैकिंग कैसे करते हैं, इन सारी चीज़ों की पहले उनको जानकारी देते हैं, फिर एक समिति बनाते हैं और फिर एक पर्यटन स्थल जो कि जैसे देश देखा हमारा है, इसकी देखरेख करने के लिए उनको, उन समितियों को ये जिम्मेवारी दी जाती है। इसमें क्या होता है कि जो समिति है उसकी ये जिम्मेदारी है कि यहाँ पर जो भी टेंट लग रहा है, कैंपिंग हो रहा है, जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो यही लोग करते हैं। पहला तो जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये पैकेज जो है ये 1000 रुपये का है। 1000 रुपये के पैकेज में हम क्या करते हैं कि आप सुबह शाम को, आप यहाँ पे शाम को अराउंड 5-6 बजे तक आपकी रहती है कि आप अंधेरे से पहले यहाँ पहुँच जाइए, एंड आपको आते ही यहाँ पे चाय जो कि आपका जो टी रहेगा वो बेसिकली यहाँ पे लेमन ग्रास है, लोकल चाय है, और जो कुछ छाल है पेड़ों की उससे चरई गुड़ा कहते हैं, उससे मतलब आपको एक ऑर्गेनिक फील देते हैं हम लोग कि आप लोग को वो वहाँ दूध वाली चाय नहीं मिलती, हम लोग यहाँ पे कुछ अलग ही आपको सर्व करते हैं, आपको वो एक्सपीरियंस देते हैं कि वैसी चाय आपको मिले। उसके अलावा फिर क्या है कि आपको चाय के साथ आपको यहाँ पे भजिया या नाश्ता जो भी उसमें बन सकता है वो दिया जाता है, एंड उसके बाद फिर आप आराम से आइए, टेंट आपके लगे हुए हैं, टेंट में बैठिए, आपके लिए आग लग जाएगी जिसको हम लोग बॉन फायर कहते हैं। वहाँ पे आप समिति के लोग रहते हैं, उनसे बात कीजिए, यहाँ की लोकल स्टोरीज बहुत सारी हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं, यहाँ का दशहरा बहुत फेमस है उसकी कहानियाँ सुनिए, और क्या कहते हैं कि इसके माध्यम से क्या होगा कि उसके बाद फिर क्या होगा, सीधे आपको खाने के लिए बुलाते हैं, खाना खाइए, अपने टेंट में रेस्ट कीजिए, और फिर आधे एक घंटे का आपका तारों का सेशन होता है जिसमें आपको तारों के बारे में बताया जाएगा, एंड फिर सुबह आपको उठिए, नाश्ता कीजिए और फिर ट्रैकिंग पे जाइए। तो इतना चीज़ हम आपको 1000 रुपये में दे रहे हैं। एंड इसकी बुकिंग कैसे होगी, तो ये एक बहुत ही मतलब अच्छा, मतलब ईजी तरीका हमने बनाया है। बेसिकली देश देखा पर्यटन समिति जो है, जब हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी आए थे, तो ट्रिप्पी हिल्स करके ऑर्गेनाइजेशन है, उसके ओनर हैं सौरभ सिंह, उनकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ देश देखा पर्यटन समूह का एक MOU हुआ है, जिसमें क्या है कि सौरभ सिंह जो उनके ट्रिप्पी हिल्स करके ऑर्गेनाइजेशन है, वो यहाँ के क्योंकि लोकल टूर ऑपरेटर हैं तो वो टूरिस्ट लाते हैं, तो आप उनसे डायरेक्ट बुकिंग कर सकते हैं। आप ट्रिप्पी हिल्स पे जाइए और इनसे उनका नंबर है, कॉन्टैक्ट कीजिए, आप डायरेक्ट वहाँ से बुकिंग कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ नाके पे आइए, आप देश देखा सीधे आ जाइए और क्या कहते हैं यहाँ पे नाके पे बताइए कि हमें आज कैंपिंग रुकना है, तो लोग आपका इंतज़ाम कर देंगे। दो तरीका है, बस नाके वाले में दिक्कत ये हो सकती है कि अगर पहले से यहाँ बुकिंग हुई होगी तो फिर हो सकता है उस दिन आपको टेंट की अवेलेबिलिटी ना मिले, तो बेटर है कि आप जो क्या कहते हैं कि नंबर दिया गया है, कि अगर ट्रिपिंग ऑर्गेनाइजेशन है आप उन्हीं से कोऑर्डिनेट करें तो आपको आसानी रहेगी, प्री बुकिंग आप कर पाएंगे कि अगर कल आपको बुकिंग है तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ कल आपको टेंट में रहने को मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। इसके अलावा आगे जाकर हमारा जो juhajashpur.com करके साइट है, वेबसाइट है, वहाँ से भी आप डायरेक्ट बुकिंग करना शुरू कर सकेंगे। अभी भी उस वेबसाइट पे जो juhajashpur.com अगर आप सर्च करेंगे www.juhajashpur.com तो आपको यहाँ के पर्यटन स्थल के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी और आगे जाके उस पर बुकिंग भी अवेलेबल हो जाएगी। तो ये जो बुकिंग अभी इनसे हो रही है, ट्रिपिंग से हो रही है, वो आप वहाँ से बुक कर सकते हैं,
आप डायरेक्ट आके यहाँ पे समितियों से बात करके यहाँ भी बुकिंग करवा सकते हैं, और चाहे आप अपने जिला प्रशासन की जो हमारी वेबसाइट है www.johar-jashpur.com वहाँ से बुकिंग कर सकते हैं। तो ये तीन माध्यम हमने अभी फिलहाल बनाए हुए हैं। ठीक है, नमस्कार। आई होप आप लोग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।